नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक ज्ञान यूनिक स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। हम दिखाएंगे आपको राजनीति से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कोली समाज युवा शाखा मध्य प्रदेश जिला भिंड में 189वां वीरांगना जलकारी भाई जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा महासम्मेलन का आयोजन आज निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड भिंड में किया गया। मामला आया सामने, नगर परिषद अमला अतिक्रमण हटाने गया अंधविश्वासी के चलते भूत प्रेत हंगामा देख वापस लौटा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजीत पवार से रविवार को देर रात मुलाकात की। इस खास मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल बोले राज्यपाल ने विधेयक से सबसे बड़ी पार्टी को किया आमंत्रित। झारखंड के गढ़वा की रहने वाली समाज सेविका सुमन अखोरी 3 दशक के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाने में जुटी। महाराष्ट्र से लापता एनसीपी के 3 विधायक हरियाणा के होटल में ठहरे, जहाँ एक और महाराष्ट्र में सत्ता संघर्षों को लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक होटल में एनसीपी के महाराष्ट्र से लापता 2-3 विधायक शंकर चौकी के कोबरी होटल में रविवार से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी के 74 बंगले स्थित निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आलमपुर कृषि उपज मंडी में लगातार आ रही अनियमितताओं को शिकायत के बाद लार एसडीएम ओम नारायण सिंह ने आलमपुर पहुंचकर मंडी परिसर के बाहर नियम विरुद्ध तोड़ रहे व्यापारियों पर कार्रवाई की। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक का हुआ लाइन हाजिर, औरंगाबाद थाना प्रभारी के अवधेश कुमार त्रिपाठी को देर रात एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने किया लाइन हाजिर। प्रदूषण में टॉप रेटिंग के बाद भी नहीं सुधर रहा कानपुर, सपा पूर्व मंत्री अरुणा कोरी का चौकीदार घर के बाहर चला रहा कूड़ा। महेसाड़ा जिले के मेवण में आयोजित गुजरात के नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल साहब, बनासगिरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी साहब की हाजिरी में अखिल अंजना केलवाड़ी मंडली आयोजित कार्यक्रम में जनहित के लिए कई कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बनासकांठा जिले के धनारा तहसील के छिड़ीवाई गाँव में आज रोज दूध मंडली में दुर्व्यवहार को लेकर मंडली को ग्रामजनों ने ताला लगाया। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क का दायरा बढ़ा है, साथ ही तकनीकी खराबी से परिचालक प्रभावित होने के मामले भी बढ़े हैं। सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिजन दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव 12 पैसों की बढ़त के साथ 74.66 रुपए हो गया है। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव हाईटेक तरीके से लड़ रही है और इतनी हाईटेक हो गई है कि अपने कार्यकर्ताओं को ऑफलाइन हो गए। पेटीएम केवाईसी के नाम पर ग्राहकों के साथ हो रही है भारी ठगी, अपने ही जाल में ऐसे फंसाते हैं धोखेबाज। 2 दिन में किसी टीम ने पारी और रनों के अंदर से जीता टेस्ट मैच, अब इंग्लैंड को मिली करारी हार। स्टेट सीरीज में पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मेहमान टीम इंग्लैंड को करारी मार दी है। सलमान खान ने पापा सलीम के साथ शेयर की फोटो, कहा हैप्पी बर्थडे। इस बीच उन्होंने अपने पिता और स्क्रीन प्ले राइटर सलीम खान के साथ फोटो शेयर किया। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे ज्ञान स्पेशल यूनिक बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।